नमस्कार, भारत समाचार पर भाग्य चक्र देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हर व्यक्ति शिव की पूजा तो करते ही हैं, पर यदि आपको पता चल जाए कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की राशि अनुसार पूजा करने से आपको विशेष फल मिल सकता है, तो आप भी विशेषकर उन्हीं ज्योतिर्लिंगों की पूजा करेंगे। इसी विषय पर खास जानकारी देंगे आचार्य धनंजय जी। धनंजय जी, आज हमारी चर्चा का विषय है राशि अनुसार ज्योतिर्लिंग की पूजा करना है जिससे भाग्य में तेजी से वृद्धि होती है। हर राशि के जातक को उनकी राशि अनुसार ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। आज जिन जातकों का जन्मदिन है उनका ये पूरा वर्ष कैसा रहेगा, उनको किस प्रकार का उपाय करना है, किस प्रकार की सावधानियां रखनी है, ये सब जानेंगे आचार्य धनंजय जी से। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जब भी किसी प्रकार का कोई भी संकट, कोई भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में विघ्न बाधा आ रही है, शिव जी की आराधना करना सारी समस्याओं का समाधान है। समस्त ग्रहों के अधिपति भगवान शिव है और सारी राशियां किसी न किसी ग्रहों के अधिपत्य में ही हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जितने भी जातक हैं, एक बात आप सभी जातकों को मैं बताना चाहता हूं कि प्राचीन काल से सनातन धर्म की जो मान्यताएं रही हैं, विशेष रूप से शैव संप्रदाय के लिए तो ज्योतिर्लिंग सब कुछ है। सब कुछ ज्योतिर्लिंग से ही शुरू होता है और सब कुछ ज्योतिर्लिंग पर ही समाप्त हो जाता है। लेकिन बाकी के जितने भी संप्रदाय हैं, सभी जातक यदि ज्योतिर्लिंगों में राशि अनुसार ज्योतिषी आधार पर भी हम इसकी व्याख्या करें, वैसे तो सभी राशियों के जातकों के लिए सारे ज्योतिर्लिंग महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा ज्योतिर्लिंग है ही नहीं जिसकी महत्ता के बारे में, जिसकी महिमा के बारे में मैं ऐसी बात कह पाऊं कि ये तो सिर्फ इसी राशि के लिए है, वो तो पूरी सृष्टि के लिए शिव जी की आराधना है। लेकिन यदि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए कि कौन सी राशि किस ग्रह के आधिपत्य में कौन से ज्योतिर्लिंग का विशेष रूप से वो पूजन करें, तो उनको व्यक्तिगत तौर पे कितना लाभकारी हो सकता है। लाभ तो सारे ज्योतिर्लिंगों में है, सारे ज्योतिर्लिंग आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। शिव जी की कृपा जिस जातक पर होगी उसके लिए तो कुछ भी कहीं से भी किसी बात के लिए चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो दर्शकों, आज का विषय काफी महत्वपूर्ण है कि राशि अनुसार ज्योतिर्लिंग की पूजन होना चाहिए। तो शुरुआत करेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि के जो जातक हैं उनसे कि आखिर उन्हें किस प्रकार से ज्योतिर्लिंग की पूजा करना चाहिए ताकि उनका भाग्योदय हो। जी, आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के अनुसार यदि ज्योतिर्लिंग की आप आराधना कर रहे हैं, तो जो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ जी की आराधना करना आपके लिए सर्वाधिक लाभकारी होगा। ह्रीं ओम शिवाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए और इस मंत्र के जाप के साथ शिव जी की उपासना करिए। शिव जी के शिवलिंग पर जलाभिषेक करिए, इस मंत्र को साथ ही साथ जपते रहिए। मेष राशि के जातक, आपके जीवन की सारी विघ्न बाधाएं शिव जी की कृपा से दूर हो जाएंगी, चाहे वो ग्रहों के आधार पर, चाहे वो वैसे सामान्य जीवन के संबंध में। वृष राशि के जातक के लिए मल्लिकार्जुन अर्थात जो द्वितीय ज्योतिर्लिंग है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है, और जो द्वितीय ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन नाम से हम जिन ज्योतिर्लिंग को जानते हैं उनकी आराधना करना आपके लिए लाभकारी है। अब हम लोग चर्चा करेंगे वृष राशि के बाद मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक, आपको तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की आराधना करनी चाहिए।
आपके लिए मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र का जाप करिए और ज्योतिर्लिंग की आराधना करिए, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जी निश्चित तौर पर जीवन के कष्ट बिल्कुल दूर होंगे जब आप राशि अनुसार पूजन करेंगे ज्योतिर्लिंगों की। तो बात हो गई है, शुरुआत हो गई है, तीन राशियों की बात हमने कर ली है। अब कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों की बात करेंगे कि आखिर इन्हें किस प्रकार से अपनी राशि अनुसार ज्योतिर्लिंगों की पूजा करनी चाहिए। जी आरंभ करते हैं कर्क राशि के जातकों को जो चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर की आराधना करनी चाहिए। ओंकारेश्वर की आराधना करते समय ओम हौं जुं शः इस मंत्र का जाप करिए, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम स्थिति में विद्यमान रहेगा, आपका निजी जीवन भी विघ्न बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। ये उपाय करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों को ज्योतिर्लिंग में वैद्यनाथ जी की आराधना करनी चाहिए। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् इस मंत्र का जाप करते हुए शिव जी की आराधना करिए, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम स्थिति में रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी दिन प्रतिदिन मजबूत होती चली जाएगी। सिंह राशि के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों को छठे ज्योतिर्लिंग की आराधना करनी चाहिए और छठे ज्योतिर्लिंग को हम लोग भीमा शंकर जी के नाम से जानते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का आपको जाप करना है और शिव जी की आराधना करनी है। शिव जी की आराधना करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, और बारी हो गई है तुला वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों की कि आखिर ये किस प्रकार से अपने राशि अनुसार ज्योतिर्लिंगों की पूजन करें ताकि इनका भाग्योदय हो। जी आरंभ करते हैं तुला राशि से। तुला राशि के जातकों को सप्तम ज्योतिर्लिंग की आराधना करनी चाहिए और इस ज्योतिर्लिंग को हम लोग रामेश्वरम जी के नाम से जानते हैं। आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करना चाहिए। आपकी राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है और समस्त ग्रहों के अधिपति भगवान शिव जी हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ सामान्य सा सहज सा इस मंत्र का जाप करना है और साथ ही साथ शिव जी की आराधना करनी है। तुला राशि के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह सदैव युवा रहने वाले ग्रह कहे जाते हैं। मंगल ग्रह को अग्नि तत्व का कारक ग्रह भी माना जाता है। आपके लिए ज्योतिर्लिंगों की यदि चर्चा की जाए तो अष्टम ज्योतिर्लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और शिव जी की आराधना करना आपके लिए सदैव लाभकारी होगा। अष्टम ज्योतिर्लिंग को हम लोग नागेश्वर के नाम से जानते हैं। ह्रीं ओम नमः शिवाय इस बीज मंत्र का जाप करिए और शिव जी की आराधना, आपके जीवन की सारे कष्ट विघ्न बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। वृश्चिक राशि के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के जातकों को नवे ज्योतिर्लिंग की आराधना करनी चाहिए और नवा ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ जी का है। ओम तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए, आपके लिए यह मंत्र सदैव हितकारी होगा। देखिए ये जितने भी मंत्र हैं इन सारे मंत्रों में एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ शिव जी की आराधना करनी है। जी बिल्कुल, और बारी आ गई है मकर कुंभ और मीन राशि वाले जातकों की। सबकी बात हमने कर ली है, विषय काफी महत्वपूर्ण है। देखिए कि राशि अनुसार ज्योतिर्लिंग की पूजन किस प्रकार से की जाए जो सिर्फ हमें लाभ ही लाभ मिले। अब हम लोग आरंभ करते हैं मकर राशि की।
मकर राशि के जातक, आपको दशम ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर की आराधना करनी चाहिए और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके जीवन के सारे कष्ट सदा सदा के लिए दूर हो जाएंगे और शिव जी की विशिष्ट कृपा से जीवन में कभी भी धन की कमी भी नहीं होगी। मकर राशि के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे कुंभ राशि की। मकर और कुंभ इन दोनों राशियों के स्वामी शनि देव हैं। कुंभ राशि के जातक, आपको 11वें ज्योतिर्लिंग अर्थात केदारनाथ की आराधना करनी चाहिए और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट विघ्न बाधा आपको परेशान नहीं कर पाएगी। मीन राशि के जातक, आपके लिए 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्मेश्वर, आपको घृष्मेश्वर जी की आराधना करनी है और आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, चूंकि जो आपकी राशि है वो भी ज्योतिष शास्त्र में 12वीं राशि है, इसलिए आपको शिव जी की आराधना करते समय विशेष रूप से अपना ध्यान शिव जी की भक्ति में ही केंद्रित रखना है और शिव जी की आराधना में लीन रहना है। जी बिल्कुल, और बात हो गई है 12वीं राशि की कि किस प्रकार से ज्योतिर्लिंग की पूजन करनी चाहिए। अब जानेंगे ये आचार्य जी की राशि अनुसार उपाय क्या कुछ हो जो ज्योतिर्लिंग पूजन के सिर्फ और सिर्फ लाभ मिले। बिल्कुल, जब भी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट आता है, कोई भी विघ्न बाधा हमें परेशान कर रही होती है, तब हम उपासना में या ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार कोई न कोई रत्न धारण करते हैं, कोई न कोई पूजा पाठ जाप हवन या दान करते हैं। हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी उपाय करें, किसी भी ग्रहों के मंत्रों का जाप करें तो अपनी अपनी राशि के अनुसार ही करें। जैसा कि आज हम लोगों ने प्रयास किया है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में अपनी अपनी राशि के अनुसार विशेष रूप से किस ज्योतिर्लिंग का ध्यान और पूजन किया जाए और किन सरल मंत्रों का प्रयोग किया जाए। निश्चित रूप से इन विधियों का पालन करने से हमें धन वैभव मान सम्मान की प्राप्ति होती है, घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। यदि हम किसी भी कारण से, चाहे वो बुद्धि विद्या का अभाव हो, जानकारी का अभाव हो, ज्ञान का अभाव हो, हम गलत उपाय करते हैं तो इससे हमें लाभ के स्थान पर उल्टा हानि मिलती है। जी बिल्कुल, और बात करेंगे अब उन जातकों की जिनका की आज जन्मदिन है यानी 30 जनवरी को, कैसा रहेगा इन जातकों का पूरा वर्ष। बिल्कुल, आज जन जातकों का जन्मदिन है। सर्वप्रथम आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ऐसे जातक कर्तव्य निष्ठ होते, अपने कर्म में अपने कर्तव्य में ही इनकी निष्ठा होती है और ये जातक अपने कार्य कुशलता से, अपनी अद्भुत नेतृत्व की क्षमता से समाज में धन के साथ साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति करते हैं। जो जातक नौकरी के कार्य क्षेत्र में है, इस वर्ष उनके लिए प्रबल रूप से पदोन्नति का योग बन रहा है और जो जातक व्यापार के क्षेत्र में है उनके लिए कई प्रकार के अवसरों की प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। जो जातक विद्यार्थी हैं, उनको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इस वर्ष सफलता के प्रबल योग बन रहा है। जी बिल्कुल, और आचार्य जी अब जिनका जन्मदिन है उन्हें पूरे वर्ष किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। जी, आज जन जातकों का जन्मदिन है, आपको सावधानियां क्या क्या रखनी है ये भी मैं बता देता हूँ। सर्वप्रथम किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं करना है, कर्ज बिल्कुल भी नहीं लेना है, कर्ज लेना आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, किसी से झूठ नहीं बोलना है और जल्दीबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना है। फैसला किसी भी प्रकार का निर्णय कोई भी लेते समय विशेष सावधानी रखनी। जी बिल्कुल, और आचार्य जी जानेंगे ये कि आज जिन जातकों का जन्मदिन है, सावधानियों की बात हो गई, उन्हें किस प्रकार के उपाय करने चाहिए ताकि उनका पूरा वर्ष अच्छे से बीते। बिल्कुल, आज जन जातकों का जन्मदिन है, आपको गणेश जी की आराधना करनी है।
गणेश जी की आराधना में गणपति को मोदक का भोग लगाइए। भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा की माला अर्पित करिए, दुर्वा अर्पित करिए, मूंग के दाल का दान करिए। मूंग के दाल का दान करने से गणपति की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और जीवन के सारी विघ्न बाधाएं गणेश जी हर लेंगे। जी बिल्कुल। और आचार्य जी, जैसा कि आज हमारा विषय था ज्योतिर्लिंगों पर आधारित, भगवान शिव एक ऐसे भगवान है जिसकी पूजा हर जातक किसी ना किसी रूप में करता है, लेकिन एक ये भी सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं सावधानियां किस प्रकार की हो ज्योतिर्लिंगों की पूजा के लिए, और राशि अनुसार ही क्या उसकी पूजा होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई भी बंधन बाध्यता शिव जी की आराधना में तो हो ही नहीं सकती, और राशि अनुसार तो कभी भी नहीं। ये तो कहना ही अपने आप में मूर्खतापूर्ण है। वैदिक जितनी भी पूजा पाठ है, सनातन काल से जो भी पूजा पाठ आराधना की प्रक्रिया चल रही है, निश्चित रूप से इसमें कोई भी राशि, कोई भी नक्षत्र के अनुसार किसी प्रकार की कोई भी बाध्यता हो ही नहीं सकती। बिल्कुल निश्चिंत होकर के, चाहे आपकी राशि कोई भी हो, तुला राशि हो, मीन राशि हो, मेष राशि हो, आप किसी भी ज्योतिर्लिंग की आराधना कर सकते हैं। आज हम लोगों ने जो प्रयास किया है कि यदि विशेष रूप से कोई राशि का जातक आराधना करना चाहता हो और उनके पास सीमित व्यवस्था हो, अब जैसे मान लीजिए वैद्यनाथ जी झारखंड में है, तो यदि कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में रह रहा है और उसके लिए विशिष्ट लाभकारी हो सकते हैं, तो क्यों ना वो वैद्यनाथ जी की ही आराधना करें। इसलिए हम लोगों ने राशि के अनुसार आपको ये बताने का प्रयास किया है। इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि केवल और केवल उसी राशि का जातक उनकी आराधना कर सकता है और दूसरी राशि के जातक करेंगे तो उससे नुकसान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो आचार्य जी ने आज काफी सारी मनोस्थिति जो थी उसको क्लियर किया है कि आपको किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार की जो भ्रांतियां होती हैं वो भी दूर हुई होंगी। बात कर लेते हैं आचार्य जी लकी कुंडली की, जो कि पहली लकी कुंडली है वो है अंकित मिश्रा की, जो कि दिल्ली से है। अंकित जी, आपकी मिथुन लग्न है और लग्न कुंडली के अनुसार आप मांगलिक हैं। आपकी जन्म कुंडली में पूर्ण काल सर्प योग बन रहा है। आज हम लोग शिव जी की आराधना पर ही चर्चा कर रहे हैं और आपको मैं कहूंगा कि आपको जीवन पर्यंत शिव जी की आराधना करनी है। सबसे पहले तो आपको काल सर्प योग की पूजन के लिए त्र्यंबकेश्वर जाना है और त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वहां जाकर के उस क्षेत्र में आपको काल सर्प योग की विधियों का पालन करना है, इसका विशेष पूजन कराना है। दूसरी एक बात मैं आपसे कहूंगा कि शुक्र बुध और सूर्य की युति आपकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान पर बन रही है, आपको एक पन्ना और एक उपल नाम का रत्न धारण करना चाहिए, इससे आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और आचार्य जी, जो दूसरी लकी कुंडली है वो है अद्वैत की, जो की लखनऊ से है। अद्वैत जी, आपकी जन्म कुंडली में कुछ विशिष्टता दिख रही है आपको। मैं एक बात कहूंगा कि आप हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना करने से जो आपके जीवन के कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो बात हो गई है लकी कुंडली की भी, और आचार्य जी आज जिस प्रकार का हमारा विषय था निश्चित तौर पर वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिव जी को लेकर काफी लोग भ्रांतियों में भी रहते हैं। हालांकि उनकी पूजा करना निश्चित तौर पर सभी चाहते हैं, लेकिन काफी कंफ्यूजन आज क्लियर हो गया होगा। तो दर्शकों, समय काफी कम होता है, इसलिए आप लोगों के मन में अगर कोई भी दुविधा रह गई हो, कोई भी सवाल रह गया है, तो आप आचार्य जी का मेल आईडी नोट डाउन कीजिए, उस पर आप पर्सनली आचार्य जी से बात कर सकते हैं। और मेल आईडी है bhagyachakra1530@gmail.com। जी हाँ, और आचार्य जी से आप बात कर सकते हैं पर्सनली इनके मेल आईडी पर भी। तो आचार्य जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों, कल फिर हम एक नए विषय के साथ आएंगे जरूर आपकी सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तब तक आप देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।